आप सभी का स्वागत है ईआईएस पुस्तकेशन में। लगातार आप लोग के कमेंट आ रहे थे इस टॉपिक को लेकर और हम भी इस टॉपिक पे वीडियो बनाना चाह रहे थे, क्योंकि इस वक्त हर यूनिवर्सिटी की ओर से जो रिजल्ट हैं वो जारी किए जा रहे हैं, जो ईयरली के रिजल्ट हैं वो आ चुके हैं, सेमेस्टर के रिजल्ट जारी हो रहे हैं। तो किस तरीके से अगर आपकी मार्कशीट में कोई भी गलती आपको देखने को मिल रहा है तो किस तरीके से उसमें आप सुधार करवा सकते हैं, क्योंकि अगर जब आपकी डिग्री आएगी तो उसमें वही गलती आपको देखने को मिलेगा, तो उससे बेहतर है कि आप लोग फिर उसमें करेक्शन करवा लें कि जब आपकी डिग्री आए उसके बाद करवाएं। तो यहाँ पे दोनों ही बारे में बताएंगे, अगर आपकी मार्कशीट में गलती है या फिर आपकी डिग्री में गलती है। आप किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करते हो, आप यूपी के किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करते हो, यूपी के बाहर किसी भी स्टेट किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करते हो, तो ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए जरूरी है। आप इस वीडियो को देख के अपने रिजल्ट में करेक्शन करवा सकते हैं, किस तरीके से आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट जमा करने हो, तो इन सभी को लेकर सारी बातें आप लोग को विस्तार से बताते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आप लोग ये जो मार्कशीट देख रहे हैं, इसी तरीके की जो आपकी मार्कशीट होती है वो हर यूनिवर्सिटी कॉलेज की ओर से आप लोग को दिया जाता है। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो समस्या तीन ही चीज़ में देखने को मिलता है, एक तो आप लोग के नाम को लेकर, दूसरा डेट ऑफ बर्थ को लेकर, और तीसरा जो आप लोग के माता पिता के नाम में गलतियाँ हमेशा ही देखने को मिलता है। तो इसे आपको किस तरीके से ठीक करवाना है, तो सबसे पहले तो आपको ये जानना होगा कि जो आपकी गलती जो तय किया जाता है वो आपकी हाई स्कूल की मार्कशीट के आधार पर तय किया जाता है, क्योंकि जो आप लोग की हाई स्कूल की मार्कशीट होते हैं वही आपका ओरिजिनल मार्कशीट माना जाता है, और उसी के आधार पर जो भी आप आगे की मार्कशीट लेंगे वो सेम होना चाहिए। यानी कि जो आपका नाम हो, जो आपका डेट ऑफ बर्थ हो, आपके जो माता पिता का नाम हो, वो बिल्कुल हाई स्कूल की मार्कशीट के अनुसार ही होना चाहिए। अगर आप अलग अलग किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के फॉर्म को भी अप्लाई करते हो तो उसमें यही कहा जाता है कि आपका जो नाम होगा, जो डेट ऑफ बर्थ होगा, जो भी आप अपने माता पिता का नाम देंगे वो बिल्कुल हाई स्कूल की मार्कशीट के अनुसार होना चाहिए, और जो एक स्पेलिंग होता है वो भी बिल्कुल आपकी हाई स्कूल की मार्कशीट के अनुसार ही होना चाहिए। उसमें आप कोई भी गलती करते हैं तो फिर आपकी जो डिग्री होती है या फिर जो फॉर्म होता है उसे गलत माना जाता है। पूरी तरीके से आपका जो फॉर्म होगा, जो भी आप लोग की मार्कशीट होगी, वो 10th के बेस पे होना चाहिए। तो इसलिए आपकी जो मार्कशीट है वो सही है गलत है, ये तो इस बात से पता चलता है। अब बात करते हैं कि अगर आपके मार्कशीट में कोई भी गलती हो चुका है, चाहे वो आपके नाम को लेकर हो, डेट ऑफ बर्थ को लेकर, तो किस तरीके से करेक्शन करवाते हैं। सबसे पहले तो आपको एक एप्लीकेशन लिखना होता है, जो आपको अपने यूनिवर्सिटी के जो कुल सचिव हैं उनके लिए एक एप्लीकेशन लिखना होता है। एप्लीकेशन लिखने के बाद आपके पास 10th, 12th, और फिर अगर आप सेकेंड ईयर में हो तो फिर आप जब थर्ड ईयर में फाइनल का जब एग्जामिनेशन फॉर्म अप्लाई करेंगे तो उसमें आप करेक्शन करवा लेंगे, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होता है। लेकिन जिनका लास्ट ईयर है उनके लिए ज़रूरी होता है कि आप 10th, 12th की जो मार्कशीट है वो लें, साथ के साथ फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की जो मार्कशीट दी जाती है उसकी फोटोकॉपी लें, एक एप्लीकेशन लिखे अपने आधार कार्ड को लेकर, अपने जो यूनिवर्सिटी का कुल सचिव उनका एप्लीकेशन एक लिखते हुए आप उसे अपने कॉलेज में जमा करवाए, फिर आगे की जो प्रोसेस है वो किया जाता है। लेकिन इस मामले में जब भी आपको कुछ करेक्शन करवाना हो तो हमेशा कोशिश कीजिए कि डायरेक्ट अपने यूनिवर्सिटी में संपर्क कीजिए। आप अगर यूनिवर्सिटी से संबंधित किसी कॉलेज में पढ़ाई करते हो तो आपको पता है कि कॉलेज किस तरीके से वर्क करते हैं, तो इसलिए बेहतर होगा कि डायरेक्ट आप अपनी यूनिवर्सिटी में संपर्क कीजिए। वहाँ पर जैसे हमने आपको बताया कि आपको एक एप्लीकेशन लिखना होगा अपने कुल सचिव, यूनिवर्सिटी के जो कुल सचिव होते हैं, इसके साथ ही आपको 10th, 12th की मार्कशीट, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर की जो मार्कशीट है उसे आपको लेना है, और फिर जाके वहाँ पे जमा करना है। जो करेक्शन है वो आपका कर दिया जाता है। एक अपडेटेड जो आपकी मार्कशीट होती है, जो आपकी डिग्री होती है, उसमें कोई भी दिक्कत आपको देखने को नहीं मिलेगा। और बात करते हैं कि जिनकी डिग्री में दिक्कत है तो फिर वो डिग्री वाले किस तरीके से सुधार करवा सकते हैं। जिनको डिग्री मिल चुका है तो सेम आपको यही प्रोसेस करना है कि आपको 10th, 12th की मार्कशीट लेना है, साथ ही फर्स्ट ईयर सेकेंड थर्ड ईयर की मार्कशीट लीजिए, साथ के साथ आपको आधार कार्ड लेना है, एक एप्लीकेशन लिखना, और इस तरीके से करके अपने यूनिवर्सिटी में जाके जमा कर दीजिए। इस तरीके से भी आप करेक्शन करवा सकते हैं। इसके साथ ही यूनिवर्सिटी की ओर से जो डेट है वो हर यूनिवर्सिटी की ओर से अलग अलग डेट जारी किया जाता है कि आप लोग इस टाइम पर अपने कॉलेज में या फिर यूनिवर्सिटी में संपर्क कीजिए, कि जो डेट है वो जारी किया जा रहा है, और इस डेट में जो करेक्शन के लिए जो डॉक्यूमेंट है वो आपको लाके जमा करना है, और जो करेक्शन है वो कर दिया जाएगा। तो यूनिवर्सिटी की ओर से भी जो डेट है वो जारी किया जाता है, उस डेट में जाकर आप करेक्शन करवा सकते हैं। उसके साथ ही आप अभी भी जाके जब भी चाहे वो जाकर करेक्शन करवा सकते हैं, वहाँ पे दे सकते हैं जो डॉक्यूमेंट हमने आपको बताया। सेम इसी तरीके से हर यूनिवर्सिटी में होता है, तो आप जिस भी यूनिवर्सिटी में होते हैं, जिस भी स्टेट में होते हैं, जहाँ पे भी आप अपनी मार्कशीट का करेक्शन करवाना चाहते हैं उस यूनिवर्सिटी में सेम ऐसे ही प्रोसेस जाके कीजिए, बिल्कुल आपकी मार्कशीट में करेक्शन हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो उम्मीद करते हैं कि अभी आप लोग की मार्कशीट को लेकर किस तरीके से करेक्शन होता है, किस तरीके से करेक्शन करवाते हैं, वो सारी चीज़ें हमने आप लोगों को कवर कर दी है। इसलिए आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेशन में जरूर बताएगा। साथ ही अगर आपके कोई सवाल रहते हैं और नेक्स्ट टॉपिक पे कौन सी वीडियो आप लोग को चाहिए आप ये भी कमेंट कर सकते हैं, तो कमेंट करके बताइएगा। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और टेलीग्राम को ज्वाइन करना बिल्कुल भी ना भूलें।